भाई लोग क्या ही गजब तरीका से अभी गाड़ी को घुमाया हूँ। ऊपर में डाउट लग रहा था इसलिए मैं सीधा नीचे आ गया था और यहीं से भाई इतना ही मैं घुमा दिया, बस पूरा खींच करके ले गया था उधर। देसी है भाई, देसी है नलिन चाचा, पूरा देसी है। अंडा लिया, डाली डाली मुर्गा का अंडा है। तो भाई लोग चलिए सबर हुआ खत्म, अब खाते हैं खाना। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी भाइयों का साहिद भाई की न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग को कल ब्लॉग में हम बताए थे कि खाली करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ, जो विशाखापट्टनम वाला नया हाईवे बन रहा है रायपुर में वहीं पे। तो रात में यहाँ पे अपना गाड़ी खाली नहीं हुआ, रात में अब शिफ्ट नहीं चल रहा है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम आ रही है बरसात में, तो बस दिन दिन में खाली हो रहा है। तो रात में हम लोग सोए थे, अभी सुबह का 10 बज गया है और अभी सारे कंपनी के आदमी लोग आए हैं और ट्रांसपोर्टर लोग जो मंगाते हैं माल को, वही लोग आए हैं। तो गाड़ी लोग को खाली करवा रहे हैं। अभी देखिए अपना गाड़ी है भाई पहाड़ के ऊपर एकदम, औधे चाचा गाड़ी है, गाड़ी खाली हो गया है, नीचे में खड़ा किए हैं। औधे चाचा गाड़ी उधर ही खाली हुआ था और बाकी गाड़ी देखिए होगा खाली इधर यहाँ पे। पहले भी एक बार यहाँ पे खाली किया हूँ और समस्या ये है कि गाड़ी घुमाने के लिए यहाँ पे जगह उतना नहीं है, घुमाना पड़ेगा गाड़ी को। देखिए यहीं पे, यहाँ पे इस जगह में जैसे तैसे करके घुमाना ही पड़ेगा क्योंकि और कहीं जगह नहीं है, उधर उधर फंस जाएगा गाड़ी। और मशीन देखिए ऊपर में जा रहा है अभी, लंबा वाला पोकलेन भाई, बहुत लंबा है, कितना भी दूर तक रहेगा डाला खाली कर देगा इसी। तो चलिए खाली वाली करते हैं भाई लोग। और आज प्रोग्राम है देसी चिकन बनाने का, देसी चिकन लेकर के आए हैं, बस्ती से जुगाड़ किए हैं, लेकिन इधर महंगा दिया है, 400 रुपये केजी दिया है। चलिए लगाते हैं गाड़ी को। भाई लोग क्या ही गजब तरीका से अभी गाड़ी को घुमाया हूँ, ऊपर में डाउट लग रहा था इसलिए मैं सीधा नीचे आ गया था और यहीं से भाई इतना ही मैं घुमा दिया, बस पूरा खींच करके ले गया था उधर, लेकिन फंसा नहीं गाड़ी, घूम गया एक ही बार, पूरा एकदम जगह पे ही चला गया डायरेक्ट फिसल करके। चलिए एक गाड़ी और बचा है उसको खाली कर लेंगे, उसके बाद अपना प्रोग्राम बनाएंगे चिकन बनाने का। भाई लोग अपना गाड़ी खाली हो चुका है और वहाँ से हम लोग निकल गए हैं मेन रोड में, इधर गाड़ी को लगाए हैं। अलीम चाचा और उधर चाचा गाड़ी पीछे में, मेरा इधर में, क्योंकि गैस बर्तन सब मेरे गाड़ी में है। तो खाना हम लोग बनाएंगे अभी। और भाई देखिए अवधेश चाचा और यहाँ का जो इंजीनियर हैं जो खाली वाली करवाते हैं, वो दोनों लोग मिलकर जुगाड़ किए हैं देसी देसी। मेरे को तो लग रहा था वो वाला है, हम लोग ब्लॉकिया मुर्गी बोलते हैं, लेकिन देसी है भाई, देसी है ना अलीम चाचा। जी एकदम देसी है, पूरा देसी है ना एकदम। चलिए बनाया जाए भाई लोग देसी मुर्गा और चावल। तो भाई लोग देख सकते हैं अपना चिकन को रेडी कर लिए हैं, अब बनाने के लिए जा रहे हैं। और इधर अपना देखिए लहसुन मिर्च अदरक काट दिए, इसमें प्याज है और खड़ा लहसुन भी है, लहसुन ज़्यादा नहीं था इसलिए दो ही पीस बचा है। तो चलिए अब बनाते हैं भाई आज कुकर में, क्या है कि कढ़ाई में उतना हो नहीं पाएगा, देखिए चिकन बहुत ज़्यादा है इसलिए इसमें बना रहे हैं। चलिए जी थोड़ा गर्म होने दीजिए तेल। चलिए डालिए जीरा, अदरक लहसुन डालिए, पहले लहसुन डालिए, खड़ा लहसुन, खड़ा लहसुन, खड़ा लहसुन, चलिए डालिए। डालिए उसको, डाली दीजिए, भाई साहब यही इतना ग्रेवी हो गया ना अलीम चाचा। चलिए उसको फ्राई करते हैं बढ़िया, चलो चलिए बढ़िया से उसको। तो दोस्तों प्याज देखिए आधा ज़्यादा फ्राई हो गया है, तब इसमें डाल देते हैं, नहीं तो अगर पूरा इसको लाल कर देंगे ना तो ग्रेवी बढ़िया नहीं बनेगा फिर, क्योंकि कुकर बना रहे हैं। डालिए चिकन, डालिए अब डालिए, डालिए मुर्गा का अंडा है। क्या लेग पीस है नहीं?
पूरा चलाइए नीचे इसे ही करो, एक आदमी टमाटर काटो, एक आदमी मसाला बनाओ, रोटी हो जाएगा, हो जाएगा, आप पीजिए ना इसको। थोड़ा सा फ्राई करके तब इसमें मसाला डालेंगे। अब ठीक है भाई, अब पैक करेंगे इसको। चलिए भाई लोग, चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं हम मसाला। बात पहुँचे गई बा, बनिए गिले लगभग। टमाटर डालेंगे, 5 मिनट और लगेगा अभी। बस कुकर में गया, अब बन गया। चलिए डालिए, टिफिन लेके जाइएगा, डाल दीजिएगा, वहाँ रख दीजिए। कहाँ पे? कहाँ पे? ये रोटी लीजिए, कितना सक्षम है यूज करने के लिए उतना कीजिए। रोटी लाए हैं 40, कई को खाना है कितने खा लीजिए। हो गया बहुत रोटी है। बाकी हम कहाँ लीजिए बेचारे को। हाँ, कहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं क्या आप, कहीं जा रहे हैं क्या? अरे हमारा ऑफिस में मीटिंग है। चलिए अभी डाल देते हैं नमक, ये गया इसमें नमक। चलिए लिमचा चलाइए एक बार और उसको ढकिए। चावल आपने ही? अच्छा, अगले हर दिन खरीदा दे दिया। अरे भाई देख लीजिए, इनको कुकर में से निकालने नहीं आ रहा है। चलिए छोड़िए 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 ना, नहीं निकलेगा आपसे। निकल गया। हाँ, ऐसे निकलता है तिरछा, समझ गए। नहीं, मसाला भी नहीं पका है, नहीं बाकी सब हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। भाई लोग, मसाला भी नहीं पका है तो 2 सीटी और लगाते हैं, तब जा करके पक जाएगा मसाला। चलिए, हाँ अभी चेंज हुआ खुशबू पूरा भाई मसाला का एकदम। लिमचा चलाइए तो इसको, देखिए तो क्या पोजीशन है, चलाइए अंदर से पूरा एकदम। अब हो गया लग रहा है, नहीं हो गया, हो गया, ओके है। तो भाई लोग चलिए, सबर हुआ ख़त्म, अब खाते हैं खाना। रोटी ला करके दे दिया, वो मेस से अपना खाना लाया था वो इंजीनियर, और उसके लिए टिफ़िन पैक कर दिए हैं। उसका मीटिंग था तो बोला कि मीटिंग में जाना पड़ेगा। कहो चाचा, मज़ा आ गया गुरु, कैसा लग रहा खाने में? ठीक है, और उधर चाचा का तो कहानी अलग रहता है। ठीक लग रहा है ना चाचा? एक नंबर सुपर बेटा, तीतानी ना है, ठीक बना है ना? एक नंबर का, लेकिन ग्रेवी जानदार बना है कुकर में। कुकर में ग्रेवी बढ़िया बनता है, कुछ बने या ना बने, ग्रेवी जानदार बनता है। इतना बड़ा लेग पीस, तो चलिए भाई लोग, खाना पीना तो खा चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग लोड करने के लिए गिट्टी। और अलीम चाचा की गाड़ी का 5 बोल्ट टूट गया है, उसको भी अभी लगाना पड़ेगा, कहीं टायर दुकान देकर के वहीं खड़े करेंगे, फिर खुद से लगाना पड़ेगा। इधर तो मिस्त्री उतना मिलेगा नहीं, पता नहीं कहाँ मिस्त्री रहता है। तो चलिए अभी हम लोग को वापस इसी रोड से गाड़ी घुमाना पड़ेगा। रात से तो इसी रोड से आए थे, रोड ये बहुत बढ़िया था भाई, मज़ा आया था रोड पर चल के आने में रात में। लेकिन दिन में बस्ती वाले लोग नहीं जाने देते हैं, बहुत बोलते हैं, तो गाड़ी को देखते हैं कहीं जगह होगा तो घुमा लेंगे। और खाली गाड़ी है तो हाईवे तरफ से भी चले जाएंगे, उतना दिक्कत नहीं है। फालतू का भी खाना पीना खा करके निकल रहे हैं, कोई कुछ बोल देगा तो दिमाग हो जाएगा गरम। इससे अच्छा भाई अपना सेफ्टी देखते हुए निकलेंगे।
घुमा लेते हैं आगे में, कहीं कहीं जगह होगा। तो दोस्तों समय का भी बजने वाला है, 4:50 हो गया है, 5 बजने वाला है। तो हम लोग धमतरी क्रॉस कर लिए, हाईवे पे निकल चुके हैं। तो अभी रास्ते में कहीं जगह देख करके, आगे में एक टायर दुकान है जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, आर्यन ढाबा के पास, वहीं पे अलीम चाचा गाड़ी में बोल्ट ठोकना जरूरी है। 5 बोल्ट लाइन से टूट गया है तो वो नहीं चल पाएगा। तो बोल्ट तो गाड़ी में रखा हुआ है स्पेयर में, उसी को खुद से ठोकना पड़ेगा। चलिए अब भाई, दूर दूर गाड़ी चलेगा तो खुद से थोड़ा मोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर मिस्त्री ढूंढना बहुत मुश्किल है और वो कुछ खास काम नहीं है, थोड़ा मेहनत लगता है। 1 घंटे के अंदर हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटे के अंदर। एक टायर दुकान तो यहाँ पे भी है, यहीं पे करवा लूँ क्या? यहीं पे करवा लेते हैं भाई, टायर दुकान तो है ही यहाँ, गाड़ी लगाने का भी जगह ठीक है। पहले मशीन है इसके पास, है चलिए देखते हैं पूछ के क्या बोलता है। एक के हाथ से निकाल दें हैं? अरे भाई विजय, गाड़ी को न्यूट्रल किए हैं? बाप रे कितना गर्म है बोल्ट, न्यूट्रल कीजिए। 6 बोल्ट टूट गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 तो बचा है। ये सब भी क्रैक है का? ड्रम ही निकालना मुश्किल रहता है बहुत, किसी से निकल गया तुरंत बस। ओके छोड़ी छोड़ी चली मारी थोड़ा चले ओके। और घुमाओ, हाँ हो जाएगा। चलिए दोस्तों बोल्ट वगैरह लग चुका है और अभी समय का हो गया है भाई 6:20। तो अभी हम लोग ये टोल गेट पे पहुंचे हैं जो धमतरी पार करने के बाद अभनपुर से थोड़ा सा पहले है, लगभग 10-15 किलोमीटर पहले। तो चलिए अब चलते हैं भाई लोग आराम आराम से, अब तो डायरेक्टली कहीं रुकना नहीं है, चलेंगे अब सीधा लोड करने के लिए गिट्टी। और इस बार शायद भाड़े में नहीं जाएंगे, अपना ऑर्डर है गिट्टी का, तो देखते हैं भैया से बात करेंगे आरंग तरफ पहुंच करके। यहाँ का टोल है भाई 690 रुपये। दोस्तों समय का भी 12 बज रहा है और हम लोग अभी रायपुर में आ चुके हैं जहाँ पे गिट्टी लोड होगा मंदिर हसौल।
तो भाई अभी अचानक से जब मैं वहां से चला था बोल्ट वगैरह ठोक करके, तो इतना ज्यादा सिर में दर्द हो गया कि एकदम दिमाग खराब हो गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो अभनपुर के पास जो कांटा है, मैं वहीं पर सो गया था एक घंटे के लिए। फिर वहां से हम लोग निकले तो चाय वगैरह लिम चाचा लोग पिए, मैं तो पिया नहीं भाई, मेरा एकदम बहुत ज्यादा एकदम सर दर्द दे रहा था। तो अभी हम लोग हैं मंदिर हसौद के क्रेशर में रुके हैं, यहीं पे एक गाड़ी का प्रोग्राम मिला है, 20 लोड करना है और झलप में खाली होगा जो पिथौरा टोल टैक्स से पहले है। तो दो गाड़ी का प्रोग्राम नहीं मिला है, एक गाड़ी में तो 40 लोड करना था, तो 40 एक क्रेशर में है ही नहीं, इसलिए सुबह बोले भैया बात करके बताएंगे। मतलब दो गाड़ी के लिए सुबह बात होगा, एक गाड़ी का ऑर्डर आ गया है, लेकिन सब लोग सुबह में ही लोड करेंगे भाई, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर दर्द दे रहा था, अभी तुरंत कुछ कुछ ठीक लग रहा है। तो भाई आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं भाई लोग, मिलते हैं कल फिर से आप लोगों को एक और नई ब्लॉग में, और ऐसी सपोर्ट बना रखे जैसे अभी आप लोग बना रहे हैं, मतलब पहले की तरह फिर से आप लोग सपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं, वैसे दिखाते रहिए। चलता हूँ अभी के लिए, बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।